वहाँ पे आ रहा है, तो मुझे भी ऐसा करके धीरे से जाना पड़ेगा। आज भी हम लोगों को एक गीत मिला है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जल रहा है यहाँ और यहाँ। हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है हमारा एक और नया व्लॉग पे। अभी वो घर लिपाई कर रही है मेरी वाइफ, मैं वहाँ पे जाके मिट्टी लाया और साथ में मैं नहीं हम दोनों गया है, वो निकाल के दिया, मैं बकेट उठा के लाया और साथ में मैं वहाँ से जाके गोबर भी ला के दिया है। वो अभी घर लिपाई कर रही है, मैं जाऊँगा मार्केट। अंकल आया हुआ नहीं है, अंकल बाइक लेके गया हुआ है उनकी बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल पे, तो वो आने के बाद जाऊँगा मार्केट। थोड़ा सा काम है और सब्जी भी ख़त्म हो गया है, जल्दी से जाके आ जाऊँगा और शाम को दान बीज लगाऊँगा। सब लोग लगा चुका है, तो आज जो है ना आया हुआ नहीं है ब्रिज बनाने के लिए भी, उन लोगों का गाड़ी शायद ख़राब हो गया है ऐसा बोल रहा था, तो इसलिए आया नहीं ये, अच्छा हो गया। तो बाद में शाम को मार्केट से आने के बाद दान बीज लगाऊँगा। मैं उसको मना किया है मत लिपाई करो बोल के, वो बोल रही है घर जो है ना पूरा ख़राब हो गया है, गंदा दिख रही है, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके लिपाई कर लेता हूँ बोल के वो लिपाई कर रही है। अंकल को रुकूंगा, वो आने के बाद मार्केट जल्दी से जाके आ जाऊंगा। सुअर के लिए जो है ना पता नहीं है, तो अभी मैं थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ अंकल के आने से पहले, तोड़ के रख दूंगा। दोस्तों मार्केट के लिए निकाल चुका हूँ, जल्दी से जाके आ जाऊंगा। तो मुझे जो है ना ये वाला ब्रिज से पार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि शू भी पहना है, जीन्स पैंट पहना है। शू खोल पाएगा लेकिन जो जीन्स है ना वो पूरा ताई थे, तो ये खोल नहीं पाएगा, भीग जाएगा। तो मुझे ये वाला आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद मैं दो बार या तीन बार जा चुका है, वो देखो वहाँ पे आ रहा है, तो मुझे भी ऐसा करके धीरे से जाना पड़ेगा, नहीं तो पानी से जाने से पूरा ये जीन्स बिक जाएगा। सू तो मैं खोल पाऊंगा लेकिन जीन्स बिक जाएगा। तो वो लोग दोनों को आने देते हैं, बाद में मैं भी चलता हूँ, क्योंकि बाइक जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है और इस तरफ से भी एक रास्ता है, तो पूरा घूम के विलेज होके ऐसा आना पड़ेगा, एक कंथा लग जाएगा आते आते। दोस्तों मार्केट पहुंच गया है, मार्केट पहुंच के मैंने ये ले लिया है, तो एक आदमी ने हम लोगों को गिफ्ट दिया हुआ है। आप लोगों को मैं जाने के बाद दिखाऊंगा घर पे पहुंचने के बाद, और उनका नाम भी बताऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे पैसा के लिए रुका हुआ हूँ, एटीएम में आदमी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर आ गया ये अंकल के पास, दुकानदार के पास, मैंने उनको पे कर दिया है, वो पैसा लेने के लिए गया हुआ है, तो पैसा लेके थोड़ा सा शॉपिंग करके चला जाऊंगा घर पे। घर पे जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा खोल के इसमें क्या है, आप लोग देखते रहना। यह है जोनेबत्तो सिटी, तो अच्छा से दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं पूरा घूमने वाला नहीं हूँ। दोस्तों मार्केट से आ रहा हूँ, मेरी वाइफ मुझे पिकअप करने के लिए गई है लेकिन वो कुछ भी ला नहीं पा रही है क्योंकि सब भारी है। हाँ या हल्का नहीं है, थक गया है और बहुत ज़ोर से भूख भी लग रहा है। अंकल मछली पकड़ के आया हुआ है, आहो मछली आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा है, खाने के लिए जो है ना बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही टेस्टी है, ये नदी का मछली बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, इसने भी ये सब लिपाई कर ली है।
दोस्तों आज भी हम लोगों को एक गिफ्ट मिला है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोग खोल के देख चुका है शॉर्ट के लिए, मिनी ब्लॉग के लिए, तो दोबारा से आप लोगों को दिखाऊंगा। ये उनके लिए कुर्ता, या क्या है, कुर्ता कुर्ती पैजामा का साथ और चुड़ी भी है, वो मिली है। और यहाँ पे है एक शू, ये मैचिंग शू का साथ, मैचिंग कुर्ता का साथ देख सकते हैं। ये एक और ये एक, जो दीदी ने दिया है ना, उसने कनाडा से, मतलब वो कनाडा में रहती है, तो कनाडा से ये अमेज़न ऑनलाइन ऑर्डर करके दिया है। तो उसने और भी सामान ऑर्डर किया था लेकिन कैंसिल हो गया है, तो सिर्फ ये दो आया हुआ है हमारे घर पे। तो उनको भी दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे लिए गिफ्ट बेचने के लिए। आप लोगों को अभी ये वो पेन के दिखाएगी। जाओ पेन के आ जाओ एक बार। ये एस पेन के आ जाओ, आप लोगों को दिखाऊंगा वो पेन निकले जा रही है, और साथ में येसु। तो उनका नाम मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, फेसबुक का नाम आप लोग देख लेना। उनका नाम, वो कनाडा में रहती है, तो कनाडा से ऑनलाइन शॉपिंग करके दी है। मार्केट से आके खाना खा चुका है, खाना खा के अभी ये खोल के देख रहा हूँ, जो गिफ्ट मिला है वो आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। अभी जाऊंगा थोड़ा रेस्ट करके वहाँ पे धान बीज लगाने के लिए, आज लगाऊंगा। आ जाओ देखो वहाँ पे ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दिख रही है। थैंक यू। यहाँ से दिखाओ, बहुत बहुत खूबसूरत है। आज धान बीज लगाने वाला था लेकिन शाम को जो है ना बहुत बारिश आ गया, तो उनकी वजह से डर के मैंने धान बीज लगाया नहीं है। कल सुबह उठ के लगा दूंगा अगर बारिश ना गिरे तो। अभी तो बारिश खत्म हो गया है, तो बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से मैंने नहीं लगाया है। बारिश गिरने का टाइम जो है ना खराब हो जाता है, खराब नहीं होता है तो एक एक जगह में जमा जमा हो जाता है, तो बाद में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने लगाया नहीं है। कल सुबह उठ के लगा दूंगा। सब्जी पकाने वाली है, मार्केट से मैंने मछली लाया था, आलू का साथ आज तो आलू और मछली। ओह पहले फ्राई करेगी ना, फ्राई करने के बाद पकाएगी। खाना हो चुका है, राइस हो चुका है, हम लोग कभी कभी वो रोटी भी खाते हैं, लेकिन बहुत दिनों से हमारे घर पे आटा नहीं था, तो आज मैं आटा लाया हूँ, आशीर्वाद आटा। तो फिर कल परसों बना के खाऊंगा रोटी। लक्ष्मी भी आज के जलाने वाला सुबह से घर में रखा नहीं है, लकड़ी खत्म हो गया है, उसके बाद में बना के लिए। इसमें हम लोग आग जला रही थी, बहुत लकड़ी ज्यादा लगता है ना, लकड़ी जो है ना ज्यादा लगता है इसमें जलाने से। ये चूल्हा चाय छोटा है, एक भी हो जाता है। हाँ एक भी हो जाता है अच्छा से जलने से। आलू और मछली, हम लोग जो है ना मसाला ज़्यादा खाते नहीं है। आहा खारेन भी चला गया, लाइट चला दो, लाइट दो। ये लाइट भी मैं आज नया लाया हूँ, तो रात को जो है ना ये मोबाइल का लाइट दूर तक नहीं जाता है।
ये जो है ना दूर तक जाते हैं, तो उनकी वजह से ये लाया हूँ। रात को अच्छा है ये। बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। करण भी चला गया है, अंधेरा हो गया है घर पे। करण आया हुआ नहीं, ये सब्जी जो है ना अभी पका रही है। जो मछली फ्राई किया है ना वो इसमें डाला नहीं है, मतलब पकाया नहीं, ये वहाँ पे रखा हुआ है फ्राई किया हुआ। ये बिना फ्राई किया हुआ मछली पका रही है। मछली फ्राई करते समय तेल ज़्यादा हो गया था, उसमें तेल ज़्यादा डाली थी मछली फ्राई करने के लिए, तो वो तेल को वो अलग मतलब रख रही थी, तब तेल गिर गया और तेल जो है ना उनके हाथ में गिरी है, तो मैंने उनको कोलगेट लगा दिया है। बहुत जल रहा है, यहाँ पे पूरा तेल गिर गया है, गरम तेल गया ना, हाथ पिसल के उनके हाथ में गिर गए गरम तेल। जल रहा है बहुत, उनको मैंने कोलगेट लगा दिया है। अभी कितना बजी हो गया है, एक मोबाइल किधर रख दिया आपने? वहाँ नीचे बुक भी लग रहा है। 7:37 यहाँ पे लोग जो है ना जल्दी खाना खा लेते हैं। कोई कोई भी 3 बजे में खा लेते हैं, 3-4 बजे खा लेते हैं। कोई कोई भी तो 2 बजे में भी खा लेते हैं। हम लोग थोड़ा लेट खाते हैं खाना। किसी पूरा गिर गया तेल, गरम तेल उनकी हाथ में ज्यादा। ये चीज जल रही है, ये ऊपर का है ना, खोल गया अभी आधा दिया, ये जल रहा है यहाँ और यहाँ चमड़ा ना, इसका चमड़ा। करण कब आएगा? जल्दी आना चाहिए था, पूरा अंधेरा करण नहीं होने से। अभी अच्छा है, लेकिन बारिश गिरने का टाइम बहुत आलसी होता है करण नहीं होने से। हाँ। और साथ में नेटवर्क नहीं होने से मोबाइल भी हम लोग देखते नहीं है। इस साल में तो पावर बैंक है, इस साल जो है ना मैंने एक पावर बैंक है और एक पावर बैंक मंगवाया हुआ है। हाँ। तो 2 पावर बैंक हो जाएगा तो इतना तकलीफ नहीं होगा। पावर बैंक नहीं होने से 3-4 दिन करंट नहीं होने से बहुत तकलीफ होते है। और ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत थोड़ा जलती है लाइट भी, इतना वो नहीं है। आज तो नया भी लाया है लाइट, हम वहाँ पे जला के रखा हुआ है, वो नया लाया है। देखो और 3 दिन में तो जलेगा नहीं, 2-3 दिन में धूप में रखना पड़ता है, धूप में। सोलर भी है। खाना खाने वाले है अभी, सब्जी जो है ना हो चुका है, हो चुका है, खाई कर हो जाएगा अभी। खाती एक इसमें ज्यादा है फ्राई जो है ना, पहले भी हम लोग एक एक खा चुका है, बिना खाना के ऐसे खा गया है फ्राई, मछली फ्राई। और अभी वो फ्राई खाने वाली है, तो मेरे लिए हो जाएगा क्योंकि इसमें भी बहुत मछली है। अभी हाथ धो लेता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी हम लोग भी खाना खा के, कारण भी नहीं है, सो जाऊंगा। खाना खा के थोड़ा रेस्ट करूंगा, मोबाइल चलाऊंगा, उसके बाद में सो जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।